हेलो बच्चो लेट सी दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन ओवर सेज लिस्ट द थ्री हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस टू द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऐसे कौन से तीन हार्मोन्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही वुमेन्स में प्रोड्यूस होते हैं एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स का क्या होता है सो द की कॉन्सेप्ट हेयर इज प्रेगनेंसी सो so, प्रेगनेंसी क्या होती है प्रेग्नेंसी हमारी बॉडी में एक ऐसा चेंज होता है जब जो फर्टिलाइज एग है जब इनका फ्यूजन होता है सो वॉट इज हमारा एग है जो हमारा एग एंड स्पर्म होता है ये फ्यूज कर जाते हैं एंड ये बनाते हैं हमारा फर्टिलाइज एग जो कि फर्दर आगे जाके हमारा डेवलप करता है इन टू फीटस सो ये फीटस जो होता है ये अप टू फोर्टी वीक्स तक रहता है बॉडी में में इम्प्लांटेड रहता है एंड इसके बाद जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है सो एंड एवरेज प्रेग्नेंसी जो होती है वो फोर्टी वीक्स की होती है इसमें थ्री ट्राइमेस्टर होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली देखा जाता है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता है देन आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड अब थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है जनरली उसमें देखा जाता है कि हमारा जो बेबी होता है वो ऑलमोस्ट फुल्ली डेवलप हो गया है एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन आर फुल्ली डेवलप्ड सो अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की विच आर प्रोड्यूसड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो उसमें हमारे मेन थ्री हॉमोन्स आते हैं सो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो इनमें हमारे थ्री हॉर्मोन्स आते हैं विच आर एच सी जी एच पी एल एंड रिलैक्सन सो जो हमारा एच सी जी हॉर्मोन होता है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सो so, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन सो so, इसमें क्या होता है जो हमारा ये एच सी जी के लेवल्स होते हैं ये एज अ प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो एक्ट करते हैं सो so, प्रेगनेंसी टेस्ट के टाइम पर जो लेवल्स डिटेक्ट करके बताया जाता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है वो एचसीजी के लेवल्स होते हैं नेक्स्ट हमारा हार्मोन आता है व्हिच इज एचपीएल एचपीएल ओ हार्मोन होता है हमारा व्हिच इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो होता है इसका अगर हम मेन रोल देखें तो ये क्या करता है ये ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है सो so, इसका मेन रोल आता है ब्रेस्ट मिल्क में एंड दूसरा रोल जो होता है इसका वो होता है इन फेटल ग्रोथ सो थर्ड हार्मोन जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो होता है रिलैक्सिन सो रिलैक्सिन क्या करता है ये हमारे पेल्विस लिगमेंट्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है सो दैट डिलीवरी के टाइम पर जो मूवमेंट्स uh, होनी है जो कंट्रैक्शन होनी है वो इजीली हो पाए एंड बेबी जो है वो इजीली डेवेल डिलीवर हो पाए एंड ज्यादा प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोरॉन की सो so, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसके लेवल्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एलिवेटेड रहते हैं सो so, इसके इंक्रीज लेवल्स रहते हैं एंड ये क्या करता है ये हमारा जो फीटल ऑर्गन्स है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है सो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फीटल ऑर्गन्स साथ साथ ये जो हमारा यूट्रस है उसकी लाइनिंग भी बनाता है सो so, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वट एपेंस इज की जो हमारा जो फर्टिलाइज एग होता है वो जब जायगोट बनता है वो जाके इम्प्लांट कर जाता है यूट्रस की लाइनिंग में सो so, वहां पे इम्प्लांटेशन होता है अगर हम नेक्स्ट देखें प्रोजेस्ट्रॉन सो so, जो हमारा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है इसमें क्या होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इसके भी हमारे जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज एलिवेटेड लेवल्स ही देखे जाते हैं एंड ये क्या करता है ये भी हमारा लाइनिंग ऑफ यूट्रस में हेल्प करता है लाइनिंग बनाने में हेल्प करता है ये जो लाइनिंग होती है ये जनरली देखी जाती है ब्लड की लाइनिंग होती है ये अनदर थिंग जो हम देखते हैं ये प्रिवेंट करता है अर्ली कंट्रेक्शंस सो काफ़ी बारी क्या होता है प्रेगनेंसी में अर्ली uh, कंट्रैक्शनस भी देखे जाते हैं जिसके वजह से बेबी पर और मदर पर दोनों पर इफेक्ट पड़ता है तो ये प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है ये उसके प्रिवेंशन में हेल्प करता है सो देयरफॉर दिस इज द आंसर होप यू अंडरस्टूड इट बेस्ट ऑफ लक